बुरहानपुर जिले में हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर्स कंडक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते पेट्रोल टैंकर भी बंद हो चुके हैं और इसके बंद होने से पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली है। वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल ने पुलिस सुरक्षा में बुरहानपुर से इंदौर 16 टैंकर भेजे हैं, जिन्हें भरकर पूरी सुरक्षा में लाया गया है और पेट्रोल पंप को रिफिल कराया गया, जिससे पेट्रोल सप्लाई चालू हो गई है। कल हमने सभी पेट्रोल पंप ओनर्स की एक बैठक रखी थी और उनको अवगत कराया कि इसी तरीके से वो खुले में विक्रय किसी कैन या ड्रम में नहीं करेंगे, एवं हमें स्टॉप मेंटेन करने के लिए भी सभी को ऑर्डर्स दिए थे। साथ साथ में हमारे GSOs और थाने की भी पुलिस पेट्रोलिंग में लगी हुई है इन ऑर्डर्स को इंश्योर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए मौके पे। कल आप जो अफवाह की बात कर रहे हैं उसको लेके बहुत भीड़ थी कुछ पेट्रोल पंप्स पे और हमारे 6 पेट्रोल पंप्स बंद हो पाए। इसको देखते हुए कल रात में हमने 10:30-11 बजे 15 टैंकर्स पुलिस सुरक्षा में एक्चर गार्ड में इंदौर भेजा और वहाँ पे डिपो से बात करके उनकी रिफिलिंग करके अभी वो वापस रास्ते में ही है। हमारे सभी पेट्रोल पंप वापस से हम रिफिल करके उनको चालू करेंगे। सिर्फ बुरहानपुर नहीं, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हाईवेज पे और पुलिस सुरक्षा में ये गतिविधि हो रही है कि हाईवेज पे कोई रोके ना, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने लेवल पे इस पे काम कर रहा है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि किसी भी ट्रक को ऐसा रोका नहीं जाएगा और हम आगे भी जरूरत पड़ती है तो पुलिस सुरक्षा में अपने पेट्रोल डीजल की उपलब्धता जिले में सुनिश्चित कराएंगे। कल डिपो के अंदर सुचारू रूप से लोडिंग शुरू हो गई है, क्योंकि हमारा टैंकर पहले से डिपो में खड़ा था, एक दो घंटे से बाहर हमारा खुला हुआ है। अन्य पंपों के टैंकर कल रात में पुलिस पेट्रोलिंग की सुरक्षा के अंदर जो है वो इंदौर पहुँचे हैं और आज भर के निकल चुके हैं। आज शाम तक के सभी पंपों के ऊपर जो है पेट्रोल डीजल की आपूर्ति काफ़ी बेहतर रूप से रहेगी और जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। पहले सप्लाई नहीं मिल रहा था, इसलिए पैनिक सिचुएशन की अब भरपूर मात्रा में माल मिल रहा है, क्योंकि सामान्य पब्लिक जो है वो सामान्य रूप से जितनी जरूरत उतना पेट्रोल भरा है, पंप पे भीड़ न लगा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सब चीज़ें सामान्य है। हाँ, पहली थी रात में 12 बजे तक के बहुत से लोगों ने गर्दी करी थी और पेट्रोल के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी। हमारी मांग तो यही है कि ये काला कानून वापस लिया जाए और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। अभी हमारी ये सांकेतिक 3 दिन की हड़ताल है, अगर इसमें कोई संशोधन नहीं होता है तो हम मीटिंग करके प्रदेश स्तर से आंदोलन करेंगे।